अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आ जाएं आपको कराते हैं ज़ियारत रियाज़ुल जन्नत की अंदर से। और हम मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुके हुए हैं। अब रियाज़ुल जन्नत में बग़ैर परमिट की इजाज़त नहीं है। अगर आप आ रहे हैं उम्रे के लिए तो नुस्क के नाम से इनकी एक ऐप है, वो प्लीज़ डाउनलोड कर लें। और ये आपके सामने आ गया है सब्ज़ रंग में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने तौफीक दी यहाँ पर नवाफिल अदा करने की। आपको पता है कि रियाज़ुल जन्नत की फजीलत क्या है और ये कौन सी जगह है, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो नहीं जानता। ये बाहर छतरियां हैं और ये जो सामने आपको सब्ज़ रंग के लिखे हुए आ रहे हैं, इन पे तमाम मतलब अस्हाब के नाम लिखे हुए हैं और अहले बैत के नाम भी लिखे हुए हैं जो मैंने खुद पढ़े हैं, जिसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नाम भी था। और ये जनाब जी है रोज़ा रसूल, इसके पीछे आगे उन्होंने अब ये प्लास्टिक की थोड़ी सी बाड़ लगा दी, नहीं जाने देते। ये बिल्कुल पीछे रोज़ा रसूल है और साथ में हज़रत अबू बकर सदीक और साथ में हज़रत उमर फारूक। और यहाँ पे हमें भी अल्लाह ने तौफीक दी, हमने भी नवाफिल अदा किए, लेकिन अब हम पहले की तरह जैसे कहते हैं कि जी अब वो सारा देख सकें, वो नहीं देख सकते थे। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह जितना वक्त भी यहाँ गुजरा बहुत खूबसूरत और बहुत सुकून वाला गुजरा। अल्लाह सुभान व तआला आप सबको भी इस जगह की सैर कराए, अल्लाह ताला आप सबको यहाँ पर लेके आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा जब भी यहाँ पे आएँ। अगर आप इस वीडियो, ये वीडियो आपकी नज़र से गुजरे और आपको भी दीदारे रोज़ा रसूल हो, ये बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। और मैंने पहले भी एक वीडियो डाली जहाँ से मकाम जिब्राइल की भी डाली है। और ये सारा अगर आप देखें, ख़ुद भी देखें और दरूद पाक भेजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, क्योंकि दरूद एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह ख़ुद कहता है कि मैं और मेरे फरिश्ते भी नबी पर दरूद भेजते हैं। तो हम सबको जितना हो सके अब मस्जिद नबी के अंदर जब भी हों जितना हो सके दरूद पढ़ें। और दरूद आप दरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं, आप छोटा दरूद भी पढ़ सकते हैं। और मैंने देखा है लोग टोलियों की शक्ल में बैठ जाते हैं, जिनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती वो इधर बैठते हैं और बाहर रोज़ा रसूल के सामने और दरूद पढ़ते रहते हैं, क्योंकि अंदर जाने के लिए काफ़ी मसला है, अब आसानी से अंदर जाया नहीं जाता। काफ़ी कह लें कि चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो गई हुई हैं। बहरहाल अल्लाह सुभान व तआला आप सबको भी यहाँ आने की तौफीक अता फ़रमाए, जिस तरह की उसने हमें अता फ़रमाई। अपने लिए, हमारे लिए, मुसलमानों के लिए दुआ करें जहाँ भी मौका मिले कि अल्लाह हम पर, हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।